के इंस्पेक्टर साहब जी, हमारा सामान चोरी हो गया। बधाई हो, मेरी सैलरी भी आ गई। आइए। जी, हमारा सामान चोरी हो गया और आप लोग हमें बधाई दे रहे हो? देखिए, एक बहुत सयाने आदमी ने कहा है कि जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। बैठिए इधर। जी, यहाँ लबेड़ हो गई है और तुम दोनों चिकाई ले रहे हो। क्या चटाई ले रहे? नहीं, चटाई नहीं कह रहे हम। तो क्या, चिकाई? हाँ, चिकाई चिकाई, यानी कि मजे मजे ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, आप आराम से बैठिए, बताइए आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या चिकाई? जे चाय कॉफी ना चाहिए, चिकाई ना चाहिए। जे लंच टाइम हो रहा है तो लंच मंगवा दो, एक थाली। ये देखिए, ऐसा ये थाना जैसा लग रहा है ना एकदम। हाँ? ये सब थाना कैसे लगा रखे हैं, बंदूक बंदूक है, ये सब पूरा जेल वेल है ना, तो ये थाना ही है। गलती हो गई जी, हम का करे, कानपुर से आए तो कितना कुछ हो गया हमारे साथ। पहले हमारा सामान चोरी हो गया और जी आपकी मुंबई में इतनी इतनी गर्मी भी तो है ना कि हमारे दिमाग का दही हो गया। जी दरोगा साहब जी, अगर एक चील्ड बियर मिल जाए तो बस सब ठीक हो जाए। बंपर, तो चकना भी मंगा लीजिए साथ में। हाँ, बियर आई जी, सुनो, नींबू नींबू डलवा देना और साथ वो क्या कहते हैं, जी प्याज भी डलवा, हरी मिर्ची। हाँ, मजा आ जाएगा सर। मुझे तरबूज ना निचोड़ दूं मैं? हाँ जी, ठीक है। बंपर, अगर अगर तुमने फालतू की बकवास की ना, मैं तुम्हारा मुंह उतार के तिजोरी में रख लूंगा, समझ में आया बेवकूफ। अब बताइए, आपका सामान गायब कहाँ से हुआ? कानपुर एक्सप्रेस से। कानपुर एक्सप्रेस आ गई? हाँ जी, तो कभी की आ गई। ओहो, मुझे बुआ को लेने जाना था। एक काम करो, तुम इनको चाय पानी पूछना पूछना, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट जी, हम चाय पानी पीने ना आए हैं जी, हम अपने सामान लेने आए हैं। अपने सामान? वो तो ठीक है, लेकिन हम तो सामान बेचते ही नहीं है। जी हम कौन सा सामान खरीदने आए हैं? जी हमने तुम्हें बताया ना कि हम कानपुर मेल से आ रहे थे, भुसावल आया तो हमारी आंख लग गई। किससे लग गई? जी ज्यादा नेता बनने की कोशिश ना करना, नहीं तो भूखार पर ऐसा मरेंगे कि देखते रह जाओगे। हमने बोला हमारी आंख लग गई मतलब नींद आ गई। जी आंख खुली तो मुंबई स्टेशन आ गया, तो हमारे सामान को लेकर चला गया। देखिए देखिए देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपका सामान मुंबई आना ही ना चाहता हो जी, वो भोपाल में ही उतर गया हो। कि सामान अपने आप उतर जाता है? अरे हैंगओवर अपने आप उतर सकता है, तो सामान क्यों नहीं उतर सकता है? वैसे आप एक बात बताइए कि आपके सामान में क्या क्या था जी? हाँ जे, हमारे सामान में 4 साड़ी, 2 पेटीकोट, 1 तौलिया और जे खाने पीने का सामान। लेकिन 4 साड़ी के साथ 2 ही पेटीकोट क्यों? अच्छा, सफेद और काला सबके साथ चल जाता है ना, वही तो करते हैं सब लड़कियां। सही है। वैसे एक बात बताइए, ये जो आपके पास इतना सारा सामान था, तो आप मुंबई क्यों आई? छुट्टी मनाने के लिए गोवा ही चली जाती, मजा आ जाता। हमारी बिटिया जो है ना, वो मुंबई में रहती है, तो हम गोवा कहाँ जाएंगे? एक बात बताओ, खुद इतना सारा सामान लेके आती हो, बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई? बच्चे बेचारे मदर्स डे पे फोटो खींच खींच के माँ की एडिट कर करके डालते हैं कि आई लव यू मदर, पर खाली हाथ आ गई, बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई। नहीं, हम लाए माँ की हाथ की मठरिया। अच्छा, वो भी अपनी माँ के हाथ से बनवा के लाई, खुद नहीं बनाई? आलसी औरत। ऐसी औरतों से तो अच्छा है भगवान सारे के सारे मर्द बना दे। जी आप सबको मर्द बना दोगे तो औरतें कौन बनाएगा? नहीं नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए एक बंदा है यहाँ पे। हमारा सामान दिला दो, नहीं तो ऐसा रायता फैलाएंगे जो तुम समेटे ना समेट पाओगे। रुक जाइए एक मिनट, जरा बताइए आपके पास चोर की कोई फोटो है? हे भगवान, जे इन लोगों को कौन समझाए कि चोर की फोटो हम कहाँ से लाए? अच्छा, वैसे तो 50-50 सेल्फियां लेके फेसबुक पे डालती हूँ, करवा चौथ वाले दिन चोर के साथ एक फोटो नहीं खींच सकती थी? अपना फेसबुक अकाउंट चेक करवाओ, किस नाम से? एंजल प्रिया। तेरी टॉप। वे वे वे। तेरी। ये क्या कर रही? एंजल। एंजल नाम बनता है इनका? ये क्या कर रही हो? बंदूक को लग जाएगी। आपका नाम ना रामलाल होना चाहिए, रामलाल। देखिए, आपके पास ना सामान की फोटो है, ना चोर की फोटो है, किसी की फोटो दिखाओ, कोई हीरो हीरोइन की दिखा दो, मैं मजा ही आ जाए। जी हमारे पास हमारी बिटिया की फोटो है, देखो मिस कानपुर रह चुकी है। बिटिया तो आपकी बड़ी खूबसूरत है। इस केस की पूरी तफ्तीश करनी पड़ेगी, हो सकता है पूरे सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे 2-3 महीने आपके घर में रुकना पड़े। जी क्या बकलोली हो रही है? जी थानेदार साहब क्यों रहेंगे ला जाकर हमारी लड़की के घर पे? जी हमारी बिटिया के घर में तो जगह भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी बड़ी माँ को रख सकती है वो?
पति को रख सकती है और एक पराया मर्द नहीं रह सकता उधर। जो पराया मर्द क्यों रहेगा उसके घर में? एक मिनट, जब अपनी बेटी की शादी की थी तो वो क्या सगा मर्द था उसका? पराया मर्द था ना, तो फिर हम नहीं रह सकते हैं क्या? वो कहावत नहीं सुनी आपने, सास भी कभी बहू थी? उस कहावत का इस केस से क्या लेना देना? तो आपके केस से हमारे केस से क्या लेना देना? सामान आपका चोरी हुआ है, चोरी चोर ने किया है, आप इधर आई कि नहीं आई? एक मिनट रुक जाइए, जरा साफ साफ बताइए कि आपका दामाद जो है वो काम क्या करता है? बैंक में काम करता है। उसको फोन करके जरा पूछो, 500-1000 वाले नोट बंद क्यों कर दिए? उसने बंद ना किए, वो बैंक में नौकरी करता है। नौकरी? नौकर आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दी, दो दो स्टार वाला इंस्पेक्टर यहाँ पे खड़ा, उनका आपको ध्यान ही नहीं कोई? हे भगवान जी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा जो सर है ना वो कढ़ाई से भी ज्यादा गर्म हो रहा है। इस आदमी से तो मुझे बात ही ना करनी, जो तुझसे भी ना बात करनी। हम कमिश्नर को फोन लगाएंगे बस। कब? ओहो, हेलो, कमिश्नर सल्ला स्पीकिंग। जी जी, कमिश्नर तो बलवंत राय था। बलवंत राय के तो कुत्ते होते हैं। देखिए, जो बलवंत राय थे वो जेंट्स कोटे के कमिश्नर थे, ये लेडीज कोटे के कमिश्नर है। कमिश्नर साहब, चलिए आपका गश्त का टाइम हो गया, फटाफट निकलिए गोली की तरह, चलिए। जी, जी कैसे हो सकता है? जी थानेदार कमिश्नर को आदेश दे रहा है, ये कमिश्नर आदेश ना देगा? चलो पोस्ट चेंज कर लेते, देखो आज से मैं कमिश्नर, तुम इंस्पेक्टर, चलो। ओके सर। जी ऐसा यहाँ ये हो जाता है? हाँ हो जाता है, पोस्ट चेंज हो जाती है, हमारे तो एक दो बार चैनल भी चेंज हुए। मेरा बॉयफ्रेंड मिला? आजकल बॉयफ्रेंड्स कहाँ मिलते, हम तो कब से अपने लिए ढूंढ रहे हैं। और इनके इलाज के लिए हम एक डॉक्टर भी ढूंढ रहे हैं। अगर जे मेरा सामान ना मिला ना, तो महेंद्र बाहुबली। आपको लगाना ही है तो कोई चाट पकौड़ी की दुकान लगाइए, हम भी खाएं, मजा है। ये क्या? पानी, पानी। शट अप, इधर चोरी होगी, तुम पानी बेच रहे हो। मैं पानी बेच पी रहा हूँ, प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। बेबी तुम है? बेबी बेबी तुम, मुझे पहले ये बताओ मेरे बेबी को अंदर किस जुर्म में डाला है? चोरी की है इसने। चोरी की है? जी जी, तुम चोर हो? हाँ हाँ हाँ, हूँ मैं चोर। एक मिनट, हूँ मैं चोर, लेकिन मुझे चोर बनाया किसने? किसने बेबी, किसने? इस लड़की ने, इस लड़की के खर्चों ने, इस लड़की के मोबाइल के रिचार्ज ने, इस लड़की की शॉपिंग की डिमांड ने मुझे चोर बनाया। ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, जी आजकल की लड़कियां ना जी लड़कों को चोर बना ही देती है। अरे इतना रायता फैलाएंगी तो जेई तो होगा। आप अपना रायता संभाल के क्यों नहीं रखती है, हर 10 मिनट बाद फैला देती है आप रायता। जी रायता और हुस्न तो संभालो ना संभलता। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, बिल्कुल सही कहा। सल्ला तुम? तुम कौन हो? मुझे एक इम्पोर्टेंट डेट माननी, मैं चलती हूँ। एक सेकंड, तुम कहाँ चली? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत ही धोखेबाज औरत है, भोले भाले लड़कों को फंसाती है, पिक्चर देखती है और महंगे महंगे पॉपकॉर्न खा जाती है। झूठ बोल रहा है। हाँ तो तुम कौन सी हरिश्चंद्र की औलाद हो? मैंने सुना है फोन पे बहुत लड़कों से बातें करती है ये। जी हो सकता है ये लड़का सही बोल रहा होगा, आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती है। थैंक यू मेरी फीलिंग समझने के लिए, मैं आपके लिए मिठाई का पैकेट लेकर आया हूँ। जी लीजिए मिठाई। जी तो कानपुर की मिठाई लग रही है, जी डब्बा भी देखो हमारे मिठाई वाले। ये जी कानपुर के हो? हाँ, आपकी बेटी की शादी करवाओगे मुझसे? साड़ियाँ भी लेकर आया हूँ मैं। जी साड़ियाँ तो दिखी दिखी लग रही है, जी लगता है हमारे साथ, जी सामान भी हमारा ही है। ओहो, यानी केस सॉल्व, तो दिन रात कड़ी मेहनत करके आखिरकार हमने केस सॉल्व कर ही दिया। कांग्रेचुलेशन सर, हमने केस सॉल्व कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आज पहली बार हमारी सोसाइटी में हमने कोई सही काम किया है, वो भी अंत में बिना भागे। बिल्कुल। सोचो, नकली पुलिस बन के हमने केस सॉल्व कर दिया, असली होते तो? नकली पुलिस? न,
नकली पुलिस? नकली पुलिस? एक मिनट, देखो बंपर, ये जो तुमने लाइन बोली ना कि बिना अंत में भागे हमारा केस सॉल्व, उसको मुझे लगता है थोड़ी नजर लग गई। तो बहन जी ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी जगह मिलेगी, तो चलो फिर निकलो। देखो आपकी सारी, आपकी सारी, बहन जी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.